हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्पायरोनलैक्टोन के बारे में। ये ड्रग क्या होता है, कहाँ चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट, सावधानियाँ और इसका डोज। तो वीडियो को पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि कोई भी दवा डॉक्टर की सलाह के बिना ना लें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी पर्पज के लिए होते हैं। तो स्पायरोनलैक्टोन ये क्या है? एक प्रकार का पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक कहलाता है। पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक मतलब कि ये पोटेशियम को बचा के रखेगा, सोडियम को निकाल देगा, ठीक है। इस तरह से ये काम करता है। तो पहले समझते हैं ब्रांड नेम्स। एल्डोक्टोन आता है, फ्रूसलेक आता है, लेसिलेक्टोन आता है, स्पायरोलेक आता है, बहुत सारे इसके ब्रांड नेम्स आते हैं। होता क्या है, स्पायरोनलैक्टोन ये एक प्रकार का मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है जो कि हमारी बॉडी में बन रहा है, हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये बहुत सारे काम करता है बॉडी के अंदर। ये कई बार कम हो जाता है तो हमको बाहर से लेना पड़ता है, ठीक है। ये टैबलेट के ही फॉर्म में मिलता है, ओरल ही चलता है। 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम का टैबलेट मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। और बात करेंगे कि ये कई बार कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मिलता है, फ्यूरोसोमाइड के, जो फ्यूरोसोमाइड आता है उसके कॉम्बिनेशन में भी आता है कई बार ये, ठीक है। तो एक प्रकार का ये कार्डियोवास्कुलर मेडिसिन है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। ये बेसिकली क्या है दोस्तों, कि पोटेशियम स्पेयरिंग डायुरेटिक है। तो ये क्या करता है, एक हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, तो उसको ब्लॉक करता है, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। जब जब आप किसी को ये टैबलेट दोगे तो एल्डोस्टेरोन की एक्टिविटी बंद हो जाएगी। इससे क्या होगा, एल्डोस्टेरोन बंद हो जाएगा तो क्या होगा कि सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। सोडियम हमारी बॉडी में रखना नहीं है, लेकिन सोडियम रखने लगती है। इससे क्या होता है, एडिमा डेवलप हो जाता है, पानी भर जाता है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है। तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सोडियम का एब्जॉर्प्शन जब कम होगा तो क्या होगा, पोटेशियम का सीक्रेशन कम हो जाएगा। जो पोटेशियम बाहर जा रहा है तो वो कम हो जाएगा, तो हमारी बॉडी पोटेशियम रखना चालू कर देगी, जो कि होता है नेचुरली। तो पोटेशियम रखे और सोडियम को बाहर फेंके बॉडी, ये नेचुरल प्रक्रिया है। कई बार ये नहीं हो पाता, तब अपन ये स्पायरोनलैक्टोन देंगे तो सोडियम बाहर जाएगा पेशाब के माध्यम से और पोटेशियम रहेगा, जो कि एक इम्पोर्टेंट मिनरल्स होता है। ये इसका काम करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अभी होता क्या है कि ये जब हो रहा है तो बहुत सारी समस्याओं में स्पायरोनलैक्टोन को चला सकते हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज। मतलब कि कई बार क्या होता है, पानी ज़्यादा आने से, वाटर ज़्यादा होल्ड करने से बॉडी में हाई बीपी हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट से रिलेटेड जुड़ी समस्याएं बढ़ जाती हैं। इन सबको ठीक किया जा सकता है, जैसे कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, एडिमा को ठीक करने के लिए दे सकते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कई बार किडनी सही से वर्क नहीं कर रही, नेफ्रॉन्स की प्रॉब्लम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख लेना, तो वहाँ पे भी दे सकता है। हेप्टिक सिरोसिस, लिवर सिरोसिस में भी दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि पानी भरने की वजह से लिवर सिरोसिस भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी दिया जा सकता है, ठीक है। हाइपर एल्डोस्टेरोन या एडिसन डिजीज, उसमें भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की कमी है तो वहाँ पे भी इसको देंगे तो पोटेशियम का लेवल बढ़ने लगेगा, ठीक है। सूजन, हाई बीपी, इन सब में ये दे सकते हैं। तो घुमा फिरा के कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पे कोई एडिमा है, किसी भी जगह पे एडिमा है, तो वहाँ पे आप फ्रूसमाइड तो देते हैं, साथ में इसका कॉम्बिनेशन अगर देते हैं तो और अच्छा आपको रिजल्ट मिल जाता है, या इसको देंगे स्पायरोनलैक्टोन को तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी बात यहाँ पे आती है दोस्तों कुछ ड्रग इंट्रेक्शन की, कि क्या यूज़ नहीं देना है आपको, क्या दवा नहीं देना है अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये पोटेशियम के लेवल को बढ़ाएगा, तो आपको पोटेशियम से जुड़ी कोई भी दवा नहीं देना, पोटेशियम नहीं देना है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है, तो वो दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है। एस्पिरिन नहीं देना, एस्पिरिन क्या होता है कि इसके इफेक्ट को कम कर देता है। तो ये दो दवाइयाँ आप थोड़ा ध्यान रखें ड्रग इंट्रेक्शन की हैं, ठीक है। बात करेंगे ऑनसेट ऑफ एक्शन की, तो एक से लेकर 3 दिन के अंदर बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देता है ये। 3 दिन का समय लगता है, आप सोचो कि अभी गोली ले ली और एडिमा ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा, 3 दिन तो आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए कि अगर कोई व्यक्ति स्पायरोनलैक्टोन लेता है या एल्डोक्टोन या जो व्हाटएवर कोई ब्रांड हो सकता है, तो क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन रखना है। देखो, अगर किसी के बॉडी में हाइपरकैलेमिया है फिर भी एडिमा है तो वहाँ पर नहीं देना, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम ज़्यादा है तो नहीं देना। ब्रेस्ट लैक्टेशन, कोई महिला बच्चों को दूध पिलाती है, वहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है, थायराइड का सेंसिटिविटी है किसी को, तो उसको भी नहीं देना है। अगर किसी व्यक्ति की
उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सावधानियों की बात की जाए तो डिहाइड्रेशन अगर किसी को है तो सावधानी पूर्वक देना है, क्योंकि पानी ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन में देना नहीं। हालांकि तो लिवर किडनी की समस्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कोई, तो वहाँ पे भी इसको सावधानी पूर्वक देना है। बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो ड्राई माउथ हो जाता है, मतलब कि मुँह सूख जाता है, आदमी पानी पीता रहता है बार बार, ठीक है। इनफर्टिलिटी भी आ जाती है, कई बार क्या होता है कि हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार सेक्सुअल डिजायरनेस कम हो गई है, लिबिडो कम हो गया, मन नहीं कर रहा सेक्स करने का, इस तरह की समस्या आ सकती है, ठीक है। और तो और दोस्तों कि यहाँ पे लिबिडो कम हो जाएगा और मुहासे वगैरह डेवलप हो सकते हैं, कील मुहासे वगैरह, एक्ने, पिंपल्स हो सकते हैं। बात करें कि डोज की, तो डोज क्या होगा, देखो ज़रूरत पड़ने पर दिया जाता है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर ही दिया जाएगा, ऐसा ज़रूर नहीं है कि देना ही देना है, ज़रूरत पड़ने पर देना है। तो बच्चों में भी कई बार ज़रूरत पड़ने पर देना पड़ता है, ठीक है, बच्चों का डोज अलग होता है, बड़ों का डोज अलग होता है। बात करें कि एडिमा का डोज क्या होगा, एडल्ट का तो 100 मिलीग्राम दिया जा सकता है, 100 से लेकर 400 मिलीग्राम दे सकते हैं, ठीक है, 100 भी दे सकते हो, 50 भी दे सकते हो और 400 भी, डिपेंड करता है वेट, एज और सीवियरिटी के ऊपर। मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकता कि आप 500 मिलीग्राम का टेबलेट दे दो, तो बच्चा है तो उसको कम से कम डोज देते हैं, ठीक है, 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है बच्चों में। उसके अलावा एडल्ट में 50 मिलीग्राम भी दे सकते हैं दिन में 2 या 3 बार, मतलब कि एक मैक्सिमम डोज क्या है 400 मिलीग्राम पर डे का, तो 7 से 8 दिन 15 दिन तक भी चलाया जा सकता है, जब तक ये प्रॉब्लम दूर ना हो जाए, इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, हालांकि 4-5 दिन में ठीक हो जाती है प्रॉब्लम एडिमा की। आई होप आप समझ गए होंगे स्पायरोनोलैक्टोन क्या है। अच्छा लगा वीडियो, लाइक करो, नए चैनल पे आप हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।